Hi guys, how are you all? Welcome to my art and craft channel. Myself Himani Sharma और आज हम जन्माष्टमी क्राफ्ट में माखन मटकी डेकोरेट करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम ओल्ड पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दशहरा पे जो पुलिया हमारी बच जाती हैं, उसका यूज करते हुए हम यहाँ पर अपना डेकोरेशन आइटम कंप्लीट करेंगे। रेड कलर का यूज करके हम पहले अपने पूरे पॉट को कलर कर लेते हैं। रेड एक्रेलिक कलर से हमने पूरे पॉट को पेंट कर लिया है। अब इसको ड्राई होने के बाद हम डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेस से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले पार्ट पर और पॉट के सबसे बॉटम वाले पार्ट पर हम लेस से एक बॉर्डर बनाएंगे। टॉप पार्ट कंप्लीट करने के बाद नीचे का जो एरिया है उसको भी इसी तरह लेस से हम कवर कर लेंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कुछ स्टोन्स और मिरर का यूज करते हुए अपने पॉट को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टोन्स लीफ शेप के हैं और जिनका मैं यूज करके इसको डेकोरेट कर रही हूँ। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और सेम इसी प्रोसेस से लीफ को नीचे वाले पार्ट पर भी पेस्ट करके हम ये एरिया कवर कर लेंगे। लीफ स्टोन का वर्क हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा मिरर के लिए। अब हम अपनी मटकी को मिरर से डेकोरेट करते हैं। तो सेंटर वाले पार्ट पर हम मिरर पेस्ट कर रहे हैं। मटकी को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए सिल्वर स्पार्कल ट्यूब का यूज करते हुए मैं डिजाइन बना रही हूँ। अपनी मटकी को डेकोरेट करके और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप कैसा भी डिजाइन बना सकते हैं। स्पार्कल ट्यूब का काम हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है और हमारी मटकी का डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके लिए बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पुराना जो बॉक्स है उसका कैप यूज किया है, जिसके चारों तरफ लेस लगाई है। इसके ऊपर मैं एक सीडी को पेस्ट कर रही हूँ। सीडी को डेकोरेट करने के लिए मैंने गोल्डन किरण का यूज किया है और इस किरण को मैं सीडी के चारों तरफ पेस्ट कर लूंगी। पूरा एरिया कंप्लीट करके हमारी सीडी भी डेकोरेट हो गई है। अब एक पेपर का हम थोड़ा सा रोल बनाएंगे, क्योंकि छोटी सी मटकी है तो हमारी बांसुरी भी छोटी बनेगी। छोटा पेपर रोल लेकर थोड़ा मोटा पेपर लिया है, एक रोल बना लेंगे और इस रोल को हमें कवर करना है। कवर करने के लिए हमने वेलवेट शीट का यूज किया है। तो सेम साइज का हम एक पीस ले लेंगे और हमें अपने रोल को कवर करना है। इसके बाद अब हमें अपनी बांसुरी को डेकोरेट करना है, जिसके लिए मैंने पिंग पॉन्ग बॉल को यूज किया है और पीछे वाले एरिया पर उसको पेस्ट कर दिया। बांसुरी का लुक देने के लिए यहाँ पर मैं एक पुरानी राखी को यूज कर रही हूँ और यहाँ पीछे वाले पार्ट पर इसको टाई कर दिया। अब सिल्वर कलर की टेप को हम बांसुरी के आगे और पीछे वाले पार्ट पर पेस्ट कर देंगे। बांसुरी को थोड़ा और डेकोरेट करना है तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के स्टोन्स का यूज किया है। स्टोन पेस्ट करने के बाद हमारी क्यूट सी बांसुरी रेडी हो गई है। सीडी के सेंटर पार्ट पे पहले हम अपनी मटकी को पेस्ट कर लेंगे। आज हम क्योंकि माखन मटकी बना रहे हैं, तो अब हमें अपनी मटकी में से
माखन दिखाना है जिसके लिए मैंने कॉटन का यूज किया है। मटकी ऑलमोस्ट डन हो गई है, माखन भी हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी बांसुरी लगाई और हमारा आज का जन्माष्टमी स्पेशल माखन मटकी डेकोरेशन आइडिया कंप्लीट हो गया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।